था जिस वजह से राखी ने इतने सारे एलिगेशंस आप पर लगाए, और उस वक्त आप तो खैर कुछ बोल ही नहीं सकते थे, बट अभी आप अपने लिए कैसे यू नो अपना अपने आप को कैसे डिफेंड करोगे आप? लेट्स स्टार्ट फर्स्ट लीगली, जो मेरे पे एक चार्जेस लगे थे. नीरज सर विल स्टार्ट विथ लीगली, फिर मैं बताता हूँ क्या हुआ था. जो FIR लॉज की थी ओशिवारा पुलिस स्टेशन ने, आप सबको मालूम होगा उसमें क्या क्या एलिगेशन थे. चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड सेक्शन 377, दैट इज अननेचुरल सेक्स, विच वॉज सब्सिक्वेंटली एडेड बाई द पुलिस आफ्टर द FIR वॉज लॉज्ड. और आप लोगों को पता है कि फर्स्ट डे पे ही कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी ग्रांट की थी, ये जानते हुए कि इसमें इन्वेस्टिगेशन की अभी कोई ज़रूरत नहीं है या कस्टडी की ज़रूरत नहीं है हमारे क्लाइंट की. उसके बाद इन लोग सेशंस कोर्ट में गए, रिवीजन एप्लीकेशन फाइल किया अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट कोर्ट, और दो दिन की पुलिस कस्टडी अकॉर्डिंग टू सेशंस ऑर्डर ऑफ द सेशंस कोर्ट दिया गया था. उसके बाद मुझे लगता है दो वीक में यहाँ से बेल ग्रांट कर दी थी ऑनरेबल कोर्ट ने. और उसके बाद फिर मैसूर पुलिस, जो मैसूर में FIR लॉज हुई थी, वो कनेक्शन में अपने क्लाइंट को लेके गई थी. उस मैटर में भी अभी बेल ग्रांट कर दी है कोर्ट ने. अभी मेरा क्लाइंट आप लोगों के सामने है, नाउ ही विल स्पीक फर्दर थिंग्स. अच्छा, आप लोग मुझे ये चीज़ बताओ, जो मेरा एक लास्ट वीडियो बैठ था जिसमें मैंने क्लियरली कहा था कि मैं, मुझे दो दिन देना. आप लोग डू यू रिमेम्बर, मैंने कहा था लास्ट दो दिन देना, मैं आके सब कुछ सच सच बताऊँगा. तो मुझे क्या पता था कि राखी और मीडिया को ये भी कंटिन्यूसली कह रहे थे कि मैं आप सबके पैर पड़ती हूँ कि आदिल को मत खड़ा करो आप. एक्चुअली हुआ क्या था, हाउ आई वॉज फ्रेम इन दिस, मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. मैं एक नॉर्मल, बहुत सिंपल, एक बिजनेस बैकग्राउंड से आता हूँ. एक म्यूचुअल फ्रेंड से मैं राखी को मिला था, एक म्यूचुअल फ्रेंड से तो हमारी दोस्ती डेवलप हुई. राखी कंटिन्यूसली मैसूर आती थी, वो मेरा घरदार, मेरा बिजनेस, जो भी मैं करता हूँ वो सब कुछ जान रही थी. देन स्लोली राखी देख रही थी कि आई वॉज लिटिल इस्लामी गाय, इस्लामी बैकग्राउंड से आता था. जब हमारे कन्वर्जेशन होते थे, मैं बोलता था राखी मैं आपको दोबारा फ़ोन करता हूँ, मैं नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ, आई विल कॉल यू बैक. सो राखी ने एक इस्लाम का एंगल सोचा और मुझे कहने लगी कि मुझे सना खान जैसा बनना है, मैं उनके जैसा अबाया करना चाहती हूँ, मुझे नमाज़ सिखाओ, मुझे रोज़े सिखाओ, मुझे ये सिखाओ. तो जैसे उनको इंटरेस्ट था तो मैं बोलने लगा ये करो वो करो. जब और मैं उनको ये कह रहा था ऑलवेज, आप अपनी मर्ज़ी से करो, इसलिए मत करो कि मैं आपको ज़बरदस्ती कर रहा हूँ. तो शी स्टार्टेड डूइंग दैट. उसके बाद मुझे राखी ने बोला हम शादी करते हैं. तो मैंने क्लियरली राखी से कहा, नहीं राखी, एक दो साल हम वेट करते हैं, मैं आपको क्या ही जानता हूँ कि मैं आपसे इतना बड़ा डिसीजन शादी कर लूँ. सो राखी वॉज लाइक नहीं प्लीज़ हम करते हैं. तो आई वॉज लाइक मेरी फैमिली तो एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करेगी राखी. तो राखी वॉज लाइक नहीं हम कर लेते हैं, हम फैमिली को आप एक साल टाइम लो, उसके बाद आप बताओ. जैसे मैं अबाया में आ जाती हूँ, जैसे मैं इस्लाम में कन्वर्ट हो जाती हूँ, मैं हज उमरा करना चाहती हूँ आपके साथ, तो वी विल डू ऑल दिस. उसके बाद जैसे 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 आपकी फैमिली देखेगी कि मैं बदल चुकी हूँ एंड एवरीथिंग, उसके बाद आप स्लोली स्लोली आपकी फैमिली को कन्विंस करना स्टार्ट करो. देन आई अग्री टू इट. इवेंचुअली मैंने अग्री किया, मैंने बोला ठीक है राखी हम करते हैं. उसके बाद क्या हुआ, आप लोगों को तो पता है हम मीडिया में दिखते थे, वो ये राखी लगातार झूठ बोलती थी मीडिया में. शादी के बाद भी आदिल से पूछो कि वो कब शादी करेगा, आदिल से पूछो कब शादी करेगा. और आप लोग जानते थे मैं कभी भी ब्लैंक रहता था. डू यू रिमेम्बर, मैं ब्लैंक रहता था, मैं कुछ जवाब नहीं देता था, क्योंकि मैं इतना कट और साफ झूठ कैसे बोल सकता हूँ जब मैं शादीशुदा हूँ और मैं बोलूँ कि मैं करने वाला हूँ, मैं कल करूँगा या परसों करूँगा. सलमान खान ने कॉल किया है, सलमान भाई कन्यादान करना चाहते हैं, बिग बॉस के अंदर कन्यादान करना चाहते हैं. दिस वॉज ऑल शी स्टार्टेड डूइंग विथ मी. देन स्लोली क्या हुआ, कुछ चीज़ें हुए, वो सब आपको तो पता है. मैं लास्ट में बोलता हूँ कि मुझे क्यों. लास्ट दिवाली राखी गई थी दिवाली के एक शो में, विच इज़ इन लंदन. अपेरेंटली हम दोनों ने सेम एयरपोर्ट शेयर किया था, मैं दुबई गया और राखी गई लंदन. इमीडिएट आफ्टर दैट लंदन की से जब शी केम बैक टू दुबई, आई गॉट टू नो राखी रितेश से कनेक्शन में थी, बात कर रही थी. मुझे ये चीज़ें पता चली,
भाई देखता था, एक दिन मैंने देखा कि कुछ कॉल्स आ रहे थे रितेश के, या मैसेजेस आ रहे थे, वो पॉप आउट जो आता है आईफोन में जो यूजुअली होता है, देन इमिडिएटली उसके 8-10 दिन बाद राखी मराठी बिग बॉस में चले गई। तो आई स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन, ये क्या हुआ था, किधर हुआ था, जिसमें मैंने राखी के फ़ोन में ऑलरेडी आई हर्ड दिस कन्वर्जेशंस की राखी बोल रही थी रितेश को, ये सॉरी रितेश राखी को बोल रहे थे कि इस ये 7 से 8 दिन जो मैंने तुम्हारे साथ यूके में बिताई है, मेरे ज़िंदगी के बेस्ट दिन हैं। पता नहीं जब हम साथ में रहते थे एक घर में, आप इतनी रोमांटिक नहीं थी। आई वॉज लिटरली शॉक, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, मैं क्या बताऊँ, मैं कैसे राखी को पूछूँ, मैं फेस भी नहीं कर पाया। माई आफ्टर हियरिंग एवरीथिंग मुझे हिम्मत नहीं हो रही है राखी से पूछने के लिए, बींग अ हस्बैंड, कि राखी क्या क्या है ये, वही दिस इज हैपनिंग। दिन गुजर गए, राखी बिग बॉस में चले गई। जब मैं इन्वेस्टिगेशन करना आई स्टार्टेड इन माई ओन सोर्सेस, मुझे पता चलता है राखी सावंत ऑलरेडी प्रॉपरली मैरिड थी रितेश से, जो वो बोल रही थी बार बार कि मैं रितेश से शादीशुदा नहीं हूँ, जो मुझे बोला गया था, और मीडिया में उसने 1 से 10 बार बोला है कि रितेश भाग गया था, शादी हमारी नहीं हुई थी, और शायद ये भी कहा था कि रितेश की पहले शादी हुई थी, ये मुझे पता चला, इसलिए वो ये ड्रामा। जब मुझे पता चला राखी लीगली रितेश से शादी कर चुकी है, लीगली प्रॉपर तरीके से, और राखी ने रितेश को डाइवोर्स नहीं दिया है, इसके बावजूद उसने मुझे शादी किया है। हम जब अंधेरी की कोर्ट में गए थे शादी के टाइम में, राखी स्टेटस की जगह में राखी ने साफ साफ लिखा था सिंगल, तो मैं क्या प्रूफ करूँ, मैं क्या सोचूँ एज अ प्रूफ, सिंगल तो सिंगल, वो लीगल डॉक्यूमेंट में सिंगल लिख रही है यार, हाउ कैन आई इवन डाउट कि राखी गलत बोल रही है या सही बोल रही है। आई बिलीव्ड हर, मेरी सबसे बड़ी भूल, जिंदगी की सबसे बड़ी भूल, दैट आई बिलीव्ड राखी कि वो सिंगल है। उसके बाद मुझे पता चलता है, टुडे आई हैव ऑल द एविडेंसेस, आई वुड लाइक टू शेयर, आप चाहे तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, दैट ये दिखाई दे सकते, एवरीथिंग हाँ वो आपको मिल जाएगा, अपनी एक रैंडम दिखा रहा हूँ। आई विल शेयर दिस, किसी को भी नहीं मिल रहा, आई विल ऑल्सो शेयर दिस। ये प्रॉपर नोटरी राखी शादीशुदा, शादी होने के बाद का सर्टिफिकेट, तारीख इज 11/11/2019। ऑफकोर्स नो, द वर्ल्ड ऑल्सो वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस, नो राखी बाहर आने के बाद, नहीं बाहर आने के बाद राखी ने कहा था कि वो शादी मैंने नहीं की है। उन्होंने एक रील टू रियल कुछ इंटरव्यू आप जाके फेस यूट्यूब में देख सकते हो, उसमें साफ साफ कहा है राखी ने कि मैं रितेश से शादीशुदा नहीं थी। एक तो मैंने ट्रस्ट किया बिकॉज मेरी बीवी है, दूसरा जब हमारी शादी हो रही थी अंधेरी कोर्ट में, रजिस्ट्रार के सामने भी राखी ने लिखा था स्टेटस में सिंगल, ये नहीं लिखा था डिवोर्सी, ये नहीं लिखा था मैरिड, ये कुछ भी नहीं लिखा था, सिंगल लिखा था। वो कॉपी है आपके रजिस्ट्रार? ऑफ कोर्स है, मैरिज एप्लीकेशन नहीं, डिवोर्स नहीं हुआ था, और लीगली भी जब तक आप प्रीवियस हस्बैंड से या वाइफ से डिवोर्स नहीं लेते हैं, दूसरी शादी आप नहीं कर सकते। इफ़ यू टॉक अबाउट द मुस्लिम लॉ, तो मर्द दूसरी शादी कर सकता है लेकिन औरत नहीं कर सकती, और इनकी शादी एज पर मुस्लिम लॉ हुई है, तो एक तो सेपरेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स है, एंड देयर बाई टू प्ले अ फ्रॉड अपॉन माई क्लाइंट, सो वो केस को हम बाद में डील करेंगे, ऑनरेबल कोर्ट के सामने जाना है उसके लिए। ये रितेश इस सिचुएशन में
सामने आए जब जस्ट फॉर अ फैक्ट सॉरी ये फेरे राखी के वीडियो में दे दूंगा आप लोग बाद में देख लेना जिस पर रेफरेंस हमसे आया मैं उन सोर्स से वो तो अभी मैं नहीं बता सकूंगा ना देखो शादी एक सेकेंड शादी जब वो मैं पूरी इंडिया ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ शादी हुई है आई वेंट टू मुंबई में ढूंढ रहा हूँ पुणे में ढूंढ रहा हूँ जब मुझे पता चला राखी आके बैंगलोर में परफॉर्म की है ये वेडिंग बैंगलोर का हूँ यार इतना तो कनेक्टेड रहूँगा कि मैं विटनेस निकाल लूँ प्रूफ निकाल लूँ वो मेरी आई एम वेरी लकी कि उसने बैंगलोर में किया है ये सब और मुझे सब विटनेसेस मिल गए सब 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 कुछ और इसके अलावा भी मेरे पास और भी थोड़े विटनेसेस हैं जहाँ वो इंटीमेट चीज़ों में है रितेश के साथ बट आई एम नॉट अलाउड टू शो दोज थिंग्स अकॉर्डिंग टू द माई एडवोकेट और लीगली मैं नहीं दिखा सकता बट आई हैव लॉट मोर थिंग्स अबाउट राखी सावंत यूके में वो क्या कर रही थी किस कमरे में थी किस वक्त थी वो भी आज की डेट में मेरे पास है लॉबी के वीडियोज़ हैं मेरे पास जब रितेश आ रहे थे किसके नाम पर रूम बुक था एवरीथिंग आई हैव इट एवरीथिंग हमने ऑलरेडी लीगल प्रोसेस जो है हमने वीडियो सामने आया था जिसमें वो पैसे की बात हो रही वेलकम 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 देयर फर्स्ट मैं ये सॉर्ट आउट कर दूं देन पैसे आएंगे हां हमने ऑलरेडी ही जो लीगल प्रोसेस होता है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर राइट्स एंड इंटरेस्ट राखी जी ने इस केस के चलने के दरमियान बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली हैं जो हाईली डिफेमेटरी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके लिए हम हॉनरेबल कोर्ट को भी अप्रोच करने वाले हैं एंड ऑब्वियसली जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं एविडेंस है वो हम हॉनरेबल कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेंगे जैसे ही हॉनरेबल कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेंगे यू विल कम टू नो अबाउट ईच एंड एवरी एविडेंस हाँ पूछे कुछ पूछ रहे थे हाँ राखी जब मैं शादी से पहले जब मैं राखी को डेट कर रहा था तो एक बार रितेश का मुझे कॉल आया था राखी के फ़ोन पे ही और उसने बोला था कुछ झगड़ा हो रहा था देन मैंने इंटरप्ट किया और मैंने बोला मैं जो बात कर रहा हूँ तो रितेश ने मुझे साफ साफ कहा है तुम पछताओगे उसके साथ मत रहो उसने मुझे बहुत लूटा है बहुत कुछ उसने मेरे साथ किया है आप उससे दूर रहो ये कब हुआ था डू यू रिमेंबर एक डेढ़ साल पहले राखी रितेश पे एक केस करना चाह रही थी हम ओशिवारा पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े थे आई वॉज वेयरिंग रेड डू यू रिमेंबर अगर आप लोगों को याद नहीं है तो आप प्लीज़ गूगल कर लीजिए सेम केस खड़के ओशिवारा में लिखा था राखी ने कि रितेश 420 है रितेश मुझे मारता था रितेश मुझे पीटता था रितेश हरामी है वो ये वॉट एवर इट इज़ उसने बहुत कुछ लिखा था और मीडिया में बोला था उस दिन मैंने रितेश को बचाया था भाई सेइंग राखी छोड़ दो जाने दो हमारी ज़िंदगी है व्हाई यू वांट टू डू ऑल दिस डू यू रिमेंबर राखी रो रही थी थोड़ा टाइम पहले प्लीज़ आप गूगल कर लें वो है अवेलेबल जस्ट टाइप करना राखी रितेश कंट्रोवर्सी वन ईयर बैक द लास्ट कंट्रोवर्सी थी वो ये निकाह के पहले की बात है बात भी जस्ट होने वाला था तो इतना पता चलने के बाद भी आपने कैसे भरोसा किया जिसको मैं प्यार करता हूँ मैं उसको बिलीव करना जरूरी था बिकॉज राखी मुझे बार बार बोल रही थी कि वो झूठा है हमको तोड़ना चाहता है वो ये आप जो भी चाहिए मेरे से देखो आपको जो करना है करो आप लीगली मैरिज कर लो आप इस्लाम में देखो आप देखो लास्ट फ्यू मंथ से मैं नमाज़ पढ़ती हूँ एक्चुअली नमाज़ पढ़ती थी मेरे साथ जब मैं मैसूर में भी था वो हम वीडियो कॉल में पढ़ते थे मैं नमाज़ पढ़ाता था और वो नमाज़ पढ़ती थी तो आई वॉज लाइक ओके लेट मी बिलीव इट ऐसा अगर मैं बिलीव नहीं करूँगा तो मैं क्या ही कर सकूँगा ज़िंदगी में तो मैं बिलीव किस पे करूँ व्हेन आई एम मैरिंग समवन आई हैव टू ट्रस्ट हर राइट आई विल कम टू दैट वो एंड में रखेंगे हम पहले पैसे बहुत टॉपिक से हम बात करने के मेरे पे बहुत एलिगेशंस लगे हैं सीरियसली कि जब राखी से आप मिले थे तो हम लोगों को ऐसा लगता है पूरी मीडिया को कि कहीं ना कहीं आपको बॉलीवुड में आना था फेम चाहिए था इसलिए आप राखी से मिले और राखी आपको सपोर्ट करी थी क्या था वजह मतलब राखी से जुड़ने की वजह क्या थी क्योंकि आप भी जानते हैं राखी की एज दुनिया भर में राखी के बारे में लिखा पर जब भी आप किसी से मिल रहे हैं तो आप फेसबुक अकाउंट चेक करते हैं और राखी को आप नहीं जानते थे ऐसा तो हो नहीं सकता फिर भी आप राखी से जुड़े आपका रीजन क्या था अगेन वन सेकंड गिव मी अ सेकंड एंड आल्सो एडिशन टू दैट क्वेश्चन हाउ कैन यू से दैट यू वर नॉट अवेयर टोटली ऑफ राखीज एंड हर पुराना हस्बैंड्स रिलेशनशिप Because दोनों काफी फेमस थे दोनों बिग बॉस के साथ आए थे तो आपका कहना कि because I used to love her, which is why I never, you know, doubted her or their relationship makes no sense.
और उससे पहले अभी आपने वो भी कहा कि रितेश ने आपको कॉल करके ये भी कहा कि वो आपको मेरे को उसने बर्बाद कर दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया, और फिर भी आपने उससे शादी किया. व्हाट वाज द रीजन? मतलब इतना भी कोई अंधा नहीं हो जाता शायद से, इतना पता होने के बाद आपकी सोर्सेस आपको तब पता नहीं. देखो सबसे पहले एक बात बताऊं, राखी को मैं सिर्फ रितेश नहीं, मैंने ये भी पूछा था कि दीपक कल, सबसे पहले मैंने ये पूछा था, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट, कि आपने स्वयंवर किया है, आपकी उस टाइम में शादी हुई थी, क्या ये रियल थी? वो बोली थी ये ड्रामा है. सेकंड मैंने ये पूछा था अभिषेक के बारे में, तुम्हारा और अभिषेक का रिलेशनशिप बताओ, तो राखी ने बोला था बॉयफ्रेंड, चलो वो तो कॉमन चीज़ है, बॉयफ्रेंड था. थर्ड मैंने वीडियो उसमें देख के ये भी राखी से पूछा था, दीपक कलाल के साथ तुम्हारा स्टेटस क्या है, बिकॉज तुमने ये कहा है हम शादी करने वाले हैं, हम शादी कर चुके हैं, दीपक कलाल के साथ मैं हनीमून कर, आप तो बहुत कुछ बात किया था आपने दीपक कलाल के बारे में भी, आप मुझे ये चीज़ बताओ. तो उन्होंने कहा था वो सिर्फ पैसों के लिए, कुछ पब्लिसिटी के लिए मैंने किया है, ठीक है. तब मैं हिंदू में, मीन्स क्राइस्ट में और हिंदू में थी, तो मुझे इतना नॉलेज नहीं था, कोई मुझे टेक केयर नहीं करता था, ठीक है. उसके बाद रितेश का मैंने पूछा, तो सारी दुनिया जानती है रितेश राखी एक्स हस्बैंड, उस टाइम में जब टाइप करते थे तो रितेश आता था. राखी ने कहा आपके पास कोई एविडेंस है मैंने शादी किया है? नहीं. आप वो एक जो फोटो थी एक वायरल हो रही थी, कुछ हाथ की फोटो ना, यू आई रिमेम्बर, बोल रही थी ये इसके लिए नहीं था, कोई शूट में हमने किया था, मेरी माँ की कसम मैंने शादी नहीं की है. और जब मैंने रजिस्टर ऑफिस में जब उन्होंने स्टेटस बनाया और उनकी वकील फाल्गिनी ने हमने शादी करवाई, उन्होंने एफिडेविट में साफ साफ लिखा था कि राखी सिंगल है और आदिल दोनों सिंगल है एंड दे आर गेटिंग मैरिड. लीगली भी राखी ने ये प्रूफ किया मुझे कि ये वो सिंगल है एंड आई बिलीव दर. ऐसा नहीं कि मैं प्यार में पागल था, ओके थोड़ा था, ये नहीं कि मैंने कुछ, हाँ मैंने ट्रस्ट किया राखी पे. मुझे ये नहीं पता था कि राखी सावंत शादियां करती है कंट्रोवर्सी के लिए, मुझे ये नहीं पता था कि शादियां उनके लिए एक एपिसोड है. जब मेरे पे चीज़ें बीती, व्हेन आई केम आउट, अभी बाहर आके भी मुझे हो गई एक महीने, तो एक महीने तक राखी, सिक्स मंथ्स में मेरे साथ क्या क्या हुआ है, जस्ट आई वॉज डूइंग दिस रिसर्च प्रॉपरली कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किधर हुआ, एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग. रही बात राखी से मैं क्यों ब्लेडली शादी किया, क्योंकि राखी मुझे कंटिन्यूसली बोलती थी रिलीजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू रख के, मैं हिंदू थी, मुझे चीज़ों में नॉलेज नहीं थी, अब मैं इस्लाम में आना चाहती हूँ, आप मुझे सिखाओ इस्लाम में ऐसे ही आपके साथ जिंदगी करूँगी, एवरीथिंग आई विल फॉलो अकॉर्डिंग टू इस्लाम. तो वो 5 बार नमाज पढ़ती थी मेरे साथ, कुरान सीखने के लिए उसको, उसके लिए बहुत सारा इंटरेस्ट वो दिखाती थी मेरे साथ. तो मैं सोचा आफ्टर कमिंग फ्रॉम इस्लाम, तो इस्लाम में अगर एक बार वो आ रही है, शी इज़ अ न्यू वुमन, न्यू सब कुछ वो भूल भाल के आ रही है, वो मेरे साथ नहीं करेगी, बिकॉज मैं जैसे राखी के साथ था, मैं एक्सपेक्ट जिंदगी में नहीं किया था कि वो मेरे साथ ऐसी रहेगी. आई ऑलवेज थॉट राखी विल बी चेंज्ड और राखी मेरे साथ बहुत अच्छी रहेगी, बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्ट टू क्रैक उसका पास्ट, पास्ट पास्ट होता है, प्रेजेंट आई वॉन्ट टू लिव ऑन प्रेजेंट. हाँ अभी उसके टॉपिक में जब हम फाइनेंस पे बात करेंगे तो मैं दिखाऊंगा कि राखी ने मुझे कितना लूटा है. जो पैसे मैंने राखी पे खर्चे हैं ना, मैं बहुत बड़े पर्दे में लॉन्च हो सकता था अगर मुझे बॉलीवुड में आना था, तो मैं बहुत बड़े नामदार बैनर में लॉन्च ले सकता था, जैसे यशराज, नाम भी बताऊंगा, वो बैनर में मैं अपनी लॉन्च करवा सकता हूँ जो राखी के ऊपर मैंने स्पेंड किया है. मैं एक्टिंग क्लासेस तब जा सकता था, मैं प्रोडक्शन हाउस में पैसे लगवा सकता था मेरी फैमिली को बोल के कि मुझे लॉन्च कर दो, मैं कर सकता था. मुझे नाम या फेम या मुझे बिग बॉस की ज़रूरत नहीं थी कि मैं आके राखी के साथ कंट्रोवर्सीज करता रहा, और ये भी नहीं कि मैं राखी के साथ आया घूमा फिरा फेमस होकर मैं छोड़ दे. मैंने प्रॉपर शादी की है, इस्लाम में शादी की है. एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि आज की आज की डेट में आपको लगता है कि राखी जी से रिलेशन रख के या उनसे शादी करके या उनको यूज़ करके कोई भी सेलिब्रिटी बन सकता है या काम पा सकता है फिल्म इंडस्ट्री में? उनके पास खुद ही काम नहीं है, वो दूसरे का करियर कहाँ से बनाएंगे? लेकिन उन्होंने सलमान खान से मिलवाया था. कहाँ? एक सेकंड, कहाँ पे मिलवाया था? दुबई. मैं जिंदगी में सलमान खान सर से नहीं मिला हूँ. दुबई में आपके साथ पिक्स में आप सर, नहीं सर, नहीं सर, कोई भी पिक्चर नहीं है. आपके पास है तो उस पर डिबेट रख लेंगे. नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कभी भी नहीं मिला हूँ सलमान सर से. हाँ, आईफा में मैं एक बार देखा हूँ. आई बिलीव सलमान सर कुछ आधे किलोमीटर दूर खड़े थे, आधा किलोमीटर दूर, जैसे सेटिंग बोलते हैं ना वो. सलमान सर से मेरा कभी भी बात नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है.
वो एक सरासर झूठ है कि सलमान भाई उसको कॉल किए, उन्होंने डांटा कि शादी एक्सेप्ट कर लो, ये वो सरासर झूठ है। आदिल से पहले आपने बोला कि दूसरे कन्वर्ट हो गए मुसलमान बन गए, तो एक तरह से बदलाव आएगा, तो आप ये चाहते मतलब आपका ये कहना है कि जो हिंदू हिंदू में है महिला है वो सही से काम नहीं करिए, हर राखी शावंती होती है। एक और बार बोलिए प्लीज आई एम सॉरी। जो हिंदू में आपने कहा कि जो मुसलमान में कन्वर्ट हो जाएगी राखी सावंत कुछ बदल जाएगी, तो आपका ये कहना है कि जो हिंदू में औरतें रहती है वो हर राखी सावंत ही होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर दूं। लेट मी टेल यू वन थिंग। रिलीजियस इश्यू को प्लीज इसमें इन्वॉल्व मत करिए। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द ह्यूमन बींग्स। सबकी अपनी अपनी फेथ होती है, ठीक है ना? आदिल जी, एक बहुत अहम सवाल। और रही बात हिंदू महिला की बात कर रहे हो, तो मेरे 70% दोस्त हिंदू हैं और बहुत अच्छे हैं, और वो रिलीजन को मैं बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं राखी को एक्सेप्ट करने का भी एक वजह था, बिकॉज वो बहुत अच्छा रिलीजन है और मैं बहुत मानता हूँ उस रिलीजन। सर, आपने अभी ये बात की उनके सवाल पर कि यहाँ हिंदू मुस्लिम महिला वाली बात नहीं थी, है ना? ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल जो एक कम्युनिटी को बहुत हर्ट किया उस चीज़ ने, आप बार बार इस्लाम की बात कर रहे हैं, मुसलमान होने की बात कर रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि राखी सावंत नमाज पढ़ रही थी, कुरान शरीफ सीखना चाहती थी, लेकिन एक जगह पर आप लोगों ने जो कुरान शरीफ मुसलमानों की सबसे बड़ी तकद्दस मुकद्दस किताब है उस पर हाथ रख के आप लोग बेडरूम में लेटे हुए हैं और लेट के आप लोगों ने वहाँ पर हेल्प लिया, वो कितनी बड़ी कुरान शरीफ की बेहरमती थी और एक कम्युनिटी को बहुत हर्ट किया उसने, बहुत तकलीफ पहुँची उससे, वो पूरा ड्रामा क्या था? सबसे पहले मैं तहे दिल से मैं एक बात कहना चाहूँ, वो मेरे और मेरे रब का मामला है। दूसरा, मैं तहे दिल से मेरे इस्लाम भाई, मेरे इस्लामी बहनों से मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि वो बहुत बड़ा गुनाह मेरे हाथ से हो चुका है। मैं समझता हूँ कि लास्ट 6 महीने मैंने जेल में एक दिन भी ऐसा नहीं रहा कि मैं रोया हूँ, मैंने बहुत भीख मांग के मेरे रब से मैंने माफ़ी मांगी है, और मैं अभी मेरे इस्लाम भाई बहनों से भी मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, वो मेरी भूल है। कमिंग टू द पॉइंट, क्यों हुआ था, एक दिन ऐसा था, मैं जस्ट उठा था, मैं नींद में था, राखी सडनली लाती है, मुझे ये भी नहीं पता कि राखी वीडियो बना रही है, हाथ रख देती है मेरा और मुझे पूछने लगती है कि तुम दूसरी औरत के साथ नहीं हो, वो है ये। मैंने बोला बिल्कुल मैं नहीं हूँ, क्योंकि आज की डेट में भी मैं नहीं हूँ, ना मैं तब था, किसी औरत के साथ मेरा कोई संबंध नहीं था, मैं कुरान की झूठी कसम नहीं खाया हूँ, बिल्कुल नहीं। राखी ने वीडियो शूट किया, मेरे जेल जाने के बाद उसने अपलोड किया, सो दैट कि इस्लाम के जो लोग हैं आदिल के अगेंस्ट हो जाए, उसको पता था कि इस्लाम कुरान एक इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर मैं ये टॉपिक को ट्रिगर कर दूँ तो हर इंसान नफरत के आदिल की जान के पीछे हावी हो जाएगा, तो उसको ये ठीक तरीके से पता था, तो शी अपलोडेड दिस। हाँ, ये मेरा रीज़न या जस्टिफिकेशन हो, बट वो मेरी गलती है और मैं तहे दिल से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मेरे रब से मैं ज़िंदगी भर मैं मरने तक माफ़ी मांगूंगा, और मेरे इस्लाम भाई और इस्लामी बहनों से भी मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। एक सेकंड के लिए भी आप ये मत सोचना कि मैं इस्लामी बैकग्राउंड से बिलीव नहीं करता हूँ। हाँ, आपका गुस्सा मेरे पर जायज़ है, एक बार मुझे माफ़ करना प्लीज़, आइंदा मेरे मरते दम तक ये गलतियाँ मेरे से नहीं होंगी। स्टार्टिंग से पूछे दोबारा, रिलेशनशिप्स की अगर बात करें तो राखी सावंत का ये स्टेटमेंट था उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपने एक ईरानी लड़की को यहाँ पर बुलाया था, रखा था, फिर आप उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस भी करते थे। राखी को जब ये बात पता चली, वो लड़की ने जब ये बात बताई कॉल करके, तब आपने जाकर वो लड़की को भी मारा, और राखी के पैसे से ही आप उसकी सारी नीड्स पूरी करते थे, ऐसे कुछ था? क्योंकि उसकी शैली जी जो एनजीओ चलाती है, हमें नहीं पता वो कौन, फॉर एन एग्जांपल शैली जी को ही एनजीओ नहीं चलाती है, उन्होंने ऐसे इंट्रोड्यूस किया। अच्छा अच्छा, पहले वो मैं बोल दूं, सॉरी टू कट, शैली जी को ही एनजीओ नहीं चलाती है। वो क्या करती है बताऊंगा तो बहुत बड़ा एपिसोड हो जाएगा, मुझे जरूरत नहीं उनके बारे में बताने में, प्लीज कंटिन्यू। यस, तो ये रिलेशनशिप्स की जो बात है, और उन्होंने कहा है आपके कई सारे रिलेशनशिप रह चुके हैं और आप वो हर लड़कियों के कॉल राखी को आते थे, जितना भी आपने मुझे अभी बताया एलिगेशन राखी सावंत जी के बारे में, क्या आपके पास एक का एविडेंस है कि मैं राखी के पैसे लेके ईरानी पे किया, एविडेंस है? मैंने ईरानी लड़की को मारा था, आपके पास एविडेंस है? क्या मैंने राखी को मारा था, आपके पास एविडेंस है? नहीं ना, जस्ट लेट मी
आंसर इट प्रॉपरली. आपके पास कोई भी चीज़ों का एविडेंस नहीं है. अभी वो एपिसोड मैं आपको बताता हूँ क्या था. सबसे पहले ईरानी गर्लफ्रेंड ने मेरे पे कंप्लेंट किया था कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ पिछले 5 साल से. अमाई राइट? आपको ये पता है? तो 5 साल पहले मैं राखी को जानता था क्या? राखी मुझे पैसे भेजती थी 5 साल पहले, करेक्ट? सबसे मेन पॉइंट, ईरानी गर्लफ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड थी ही नहीं. वो एक गरीब, ईरान में बहुत कुछ क्राइसिस चल रहे थे, बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहे थे ईरान में. उस टाइम में मैं उसको मिला. मैं ईरानी कम्युनिटी के साथ बहुत जुड़ा हुआ इंसान हूँ. आई वॉज ऑल्सो अ प्रेसिडेंट फॉर ईरानी कम्युनिटी इन मैसूर, मैसूर सिटी. इस तरीके से मैं उसको जुड़ा. 6-7 महीने में उसको जानता था. एक फाइन डे मुझे कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल मैसूर 2018 में मुझे कॉल आता है. पता चलता है कि वो लड़की एडमिटेड है, तुम्हारी दोस्त है वो एडमिटेड है. मैं जाके फ़ौरन जाता हूँ, एज अ दोस्त या ह्यूमन बींग मैं जाता हूँ और मैं पता करता हूँ क्या होता है. शी हैड कमिटेड सुसाइड बाई ईटिंग कोलोनाजिपम टैबलेट्स 20. जो भी मैं कह रहा हूँ प्लीज़ आपको डाउट है तो इसकी लास्ट के बाद बोलना. आदिल पूरे एविडेंस चाहिए, आई हैव एवरी एविडेंस. जो एविडेंस मेरे पास नहीं है मैं उसके बारे में बात ही नहीं करूँगा. आप प्लीज़ उसको झूठ भी कंसिडर कर लेना अगर मैं नहीं दूँ. ये सारे एविडेंस हमने मैसूर कोर्ट के सामने भी रखे और एक कॉपी में दिखाऊंगा भी. 20 कोलोनाजिपम खा चुकी थी. मैं जाके पहुंचा, मैं उसको अंडरस्टैंड किया कि क्यों ऐसा किया. तो मुझे 2 दिन पहले मिली थी मेरे आइसक्रीम पार्लर, मेरे रेस्टोरेंट में. आई हैड अ वेरी नाइस रेस्टोरेंट इन मैसूर उस टाइम में. तो मुझे उसने बताया कि ईरान के क्राइसिस चल रहे थे. वो सच था, ईरान के साथ क्राइसिस चल रहे थे. उसकी माँ बीमार थी और उसके फीस 1 साल से पेंडिंग थे कॉलेज में और उसके रेंट्स उसके जहाँ रहती थी वहाँ 6 महीने से पेंडिंग थे. तो पूरा मिला के फाइनेंशियल्स उसके सर पे आ गए थे. घर वाला बोल रहा था घर छोड़ दो, कॉलेज वाले बोल रहे थे वी विल रेस्टिकेट यू. तो उसने ये स्टेप लिए. आई प्रॉमिस्ड हर दैट टाइम कि रोशिना आज के बाद जो भी आपके एक्सपेंसेस है नेक्स्ट 14 मंथ्स के लिए जब तक आप इधर हो मैं देखूंगा, आपके कितनी भी फीस पेंडिंग है मैं भर दूंगा. प्लस तुम्हारे माँ के ट्रीटमेंट्स के लिए, तब उस टाइम में सिचुएशन ऐसी थी मैं थोड़े पैसे भी अगर इंडिया से भेजूँ तो बहुत बड़ी रकम हो जाती थी ईरान में. मैं पैसे भेजता था, उसका रेंट भरता था. क्लोज टू मुझे लगता था मैंने 20 लाख रुपए खर्चे हैं जब मैं अंदर बैठा था, जेल में बैठा था. अब जब मैं बाहर आया, जब मुझे कोर्ट में डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे एक्चुअली बेल के बाद जब मेरा ट्रायल स्टार्ट होगा, तब मुझे पता चला कि मैंने 31 लाख रुपीज़ उस पर खर्चे हैं आज की डेट तक, लास्ट दिसंबर तक. 1 सेकेंड, आई विल कम देयर. 31 लाख रुपीज़ मैंने ऑलरेडी खर्चे थे ईरानी लड़की पे. वो मेरी दोस्त नहीं थी, मैं एक हमदर्द बोल सकते हो आप. हाँ, अब ये भी बोल सकते हो कहीं एक पॉइंट पे मुझे उस लड़की पे थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर भी था. आप उसको गर्लफ्रेंड नहीं बना सकते. अगर वो मेरी गर्लफ्रेंड होती, जो स्वभाव मैं रखता हूँ, जो नेचर का मैं लड़का हूँ, इसमें ये भी बोलूँगा कि व्हेन इट कम्स टू गर्ल मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ. अगर वो मुझे जानती तो वो बिल्कुल रेप के केस करने में बिल्कुल वो दिलचस्पी नहीं रखती थी मेरे पे. और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इन एडिशन टू दिस रीसेंट नवंबर 2022 तक आदिल के अकाउंट से उस लड़की को, वो रिस्पेक्टेड गर्ल को पेमेंट जो भी है हेल्प वो जाती रही है. शादी के बाद राखी को ये बात मालूम हुई, ठीक है, शुरू में शी वॉज गुड कि ठीक है यू आर हेल्पिंग समवन, लेकिन एक टाइम के बाद शी स्टार्टेड ऑब्जेक्टिव कि तुम अपना पैसा सिर्फ क्यों दे रहे हो. अब नीचे बैठ जाओ. आप देखोगे कि नवंबर 2022 के बाद आदिल ने पैसा देना बंद कर दिया बिकॉज इसका सारा इन्वेस्टमेंट राखी की तरफ डाइवर्ट हो गया था, जो भी अमाउंट था. उसके बाद लड़की ने जो कहा है वहाँ पे FIR में कि 2 साल पहले ये सारा सो कॉल्ड इंसिडेंस हुआ था. अब सवाल यह कि जब 2 साल पहले ये हुआ था, आप नवंबर आप FIR लॉन्च करते हैं 2nd week of February 2023 और आपके अकाउंट में पैसे जा रहे हैं नवंबर 2022, ठीक है, तो अगर आपके साथ वो इंसिडेंस हुआ था तो आप पैसे क्यों एक्सेप्ट कर रहे थे. और तीसरा, आप एक बहुत ही रिलेवेंट पॉइंट है कि 7-6 फरवरी की आधी रात को ओशीवारा पुलिस स्टेशन में आदिल के अगेंस्ट में राखी सावंत FIR लॉन्च कराती है. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द यू कैन से रिमांड एंड ऑल और बेल एप्लीकेशन जो भी था, उसी टाइम पे जैसे ही राखी जी को समझ में आता है कि यहाँ से ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस हमारा केस सस्टेन नहीं करेगा और इसको बेल मिलेगी ही मिलेगी, ठीक उसी टाइम पे 2nd week में 1st week में राखी सावंत का FIR होता है, 2nd week में ये ईरानी लड़की वहाँ पे मैसूर में FIR लॉन्च करा देती है. तो नेक्सस समझ में आता है कि कैसे FIR हुई वहाँ पे. क्योंकि जैसे
कोर्ट में पता चल जाता है कि आदिल को पुलिस कस्टडी जब वो लोग आके मांगते हैं 21 दिन की पुलिस कस्टडी, जब कोर्ट जुडिशियल कस्टडी दे देता है, जस्ट टू क्लियर दिस पॉइंट, जैसे मैं जुडिशियल कस्टडी में जाता हूँ मैं बेल अप्लाई कर सकता हूँ, जैसे उनको पता चल जाता है तो हम लोग एक जीत हासिल कर चुके थे। इमीडिएटली 8 तारीख को राखी जाती है मैसूर, मेरे पूरे दुश्मन इकट्ठा करती है, प्लस ईरानी लड़की को जाके मिलती है और बोलती है, 3 लाख रुपए कैश भी देती है और बोलती है मैं तुम्हें स्टार बनाऊंगी, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी अमाउंट दिलवाऊंगी, अगर तुम मुझे फॉलो करोगी तो 25 से 50 लाख रुपए हम आदिल से आइंटेंगे, प्लीज़ आप मुझे एक हेल्प करो। उसे मैसूर सिटी पुलिस कमिश्नर के पास लेके जाते हैं, आप लोग देखे होंगे वो कमिश्नर को मिली थी, जाके मिलके एक FIR लॉन्च करवाते हैं 376 रेप। उसमें उसने ही लिखा है कि मैं आदिल को 5 साल से जानती थी, आदिल ने मुझे 1.5 साल पहले आके रेप किया है, तो 1.5 साल तक तुम क्या चने खा रही थी क्या कंप्लेंट देने का? 7 तारीख को मेरी FIR हुई है, तुम आके 10 तारीख को केस कर रहे हो यार, नहीं तुम बेवकूफ़ समझ रहे हो क्या लोगों को या जनता को किसी को भी? तुम क्या सोचे आदिल एक दिन नहीं आएगा, आदिल नहीं आके बोलेगा ये सब स्टोरी? आप ऐसे ही कर दोगे, आदिल को ख़त्म कर दोगे, 10 तारीख को तुम क्यों आके रेप दे रही हो? सबसे पहले गाइस, जनता, देश, व्हाट इज रेप? रेप क्या है? एक लड़की के साथ आप गलत करते हो, उसको जाने बगैर, उसको रेप बोलते हैं, जो निर्भया वो व्हाट, बहुत सारे केसेस हैं रेप के, उसको बोलते हैं रेप। 5 साल का रिलेशनशिप रेप होता है क्या? सॉरी मैं थोड़ा गुस्सा हूं बिकॉज इट इज, एक सेकेंड तो ये भी होता है कि इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, मैं 10 बार बोल रहा हूँ दोस्त है अब दोबारा वही सवाल रिलेशन का मतलब संबंध होता है, उसको वाइड एंगल में देखिए आप। लेकिन आदिल, 31 लाख रुपए आपने उस पर खर्च किए, राखी ने उसे 3 लाख दे दिए और वो मान गए, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कौन से ग्राउंड्स पे आप बोल रहे हैं कि राखी ने जाके उसको पूरा बैठ के बात किया, ट्रैप किया? ये भी वीडियोस इंस्टाग्राम में हैं कि जब राखी सावंत जाके ईरानी लड़की से मिली है मैसूर में, बात कर रही है, 3 लाख रुपए दिए एज एन एडवांस और उसको बोले मैं मिनिमम मैं ट्राई करूंगी 50 लाख रुपए आइंटूंगी आदिल और आदिल की फैमिली से। ये आपको किसने बताया? बाहर आने के बाद मेरे बहुत खास दोस्त भी ये चीजों में शामिल थे, वो जानना चाहते थे क्या हो रहा है। एक मिनट मैं बोल देता हूँ, नहीं, 2 लोगों के बीच की बात थी, राखी, मेरे थोड़े दुश्मन भी हैं उसमें, और मुझे जेल में मेरे एक दो दुश्मन को जो राखी के दो भाई हैं मैसूर जेल में, वो अंदर भेजती थी मुझे बात करने के लिए, और वो मुझे खुद बोलते थे देखो आदिल ऐसे तो तुम बाहर नहीं आओगी, ऐसे तो तुम्हारे सज़ा हो जाएगी, तुम एक काम करो, एक 50 लाख की डिमांड है, छोड़ो 50 कहाँ से तुम भी दे सकोगे अंदर बैठे हो, चलो एक 25 लाख रुपये में क्या मैं बात करूँ? अगर तुम 25 लाख रुपये देने मानते हो तो ईरानी और राखी दोनों खड़के आके कोर्ट में बोलेंगे कि हम चार्जेस हमारे वापस लेना चाहते हैं, आदिल के ऊपर जितने भी हमने चार्जेस लगाए हैं हम वापस लेना चाहते हैं, और बेल ही नहीं तुम्हारे केस भी रद्द हो जाएंगे 25 लाख रुपीज़। मैंने कहा सर, ब्रदर, वॉट एवर, 5 महीने से कस्टडी हो गई है मेरी, क्या ही हो जाएगा अभी मेरे साथ, ये बात पहले करते तो एटलीस्ट मैं कुछ जुगाड़ करता और मैं रफा दवा हो जाता, मैं ज़िंदगी में मीडिया के बाहर नहीं आता। एक पॉइंट मैं आपको से बोलना चाहूँगा, एक इंसान को इतना ही डराओ जितना वो डर सकेगा, इतना ही डराओ। बॉम्बे जेल में मुझे डाल दिया था 7 दिन 8 दिन 10 दिन, अगर उसके बाद मुझे बेल होकर मुझे छोड़ देता ना इजीली, सच में बता रहा हूँ मैं ज़िंदगी में नहीं आता मीडिया के सामने, मैं इतना डर चुका था। उसके बाद मैसूर में डालो, वो करो ये करो, जेल के अंदर बैठ के मेरे पर FIR करवाते रहो, फाइंडे ऐसा आ गया, जो होता देखा जाएगा, 10 साल बैठूंगा कर दो 10 साल, बाहर आके बात ही करूँगा, मैं मेरी लड़ाई खुद से लड़ूंगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जो वो 25 लाख रुपए, सबसे पहले मैं 5 महीने क्यों था मैसूर जेल में? पहले 3 महीने तो ऐसे निकल गए, 1.5 महीने MLA इलेक्शंस थे मैसूर में, उसके बाद 1.5 महीने का वेकेशन था तो 3 महीने गुजर गए। उसके बाद मेरे एडवोकेट जो अल्ताफ उनका नाम है मैसूर में, ही इज़ अ वेरी वेल नोन एडवोकेट एंड माई ब्रदर टू, वो बोले कि तुम्हारी चार्जशीट फाइल हो चुकी है जिसमें आपकी रिपोर्ट्स में ये भी है कि नेगेटिव, आपने कभी भी उस लड़की के साथ सेक्स नहीं किया है, नेगेटिव रिपोर्ट्स, आई एम करेक्ट सर? नेगेटिव रिपोर्ट्स आ गए हैं तो आपको इस ग्राउंड्स पे अभी बेल हो जाएगी नेक्स्ट 10 दिन में। आई वॉज सो हैप्पी, एट लास्ट रमज़ान का महीना था, अल्लाह ने मेरी सुन ली,
तो मैं इतना खुश था कि आई वॉज़ लाइक मैं जेल में जो भी मेरे साथ लोग रहते हैं मैं उनको बोलने लगा कि चलो भाई 10-12 दिन में मैं बाहर चले जाऊँगा, इंशाल्लाह मैं आप सबको दुआ करता हूँ आप लोग बाहर आ जाएँ। सॉरी टू डाइवर्ट फ्रॉम द पॉइंट, जेलों में ना बहुत लड़के लड़कियों के चक्कर में जेल काट रहे हैं झूठे झूठे केसेस में, बहुत बहुत। लड़की जाके बोलती है रेप तो उठा के जेल में डाल दो, लड़का जाके कुछ बोले तो कंप्लेंट दो, एनसी करो, सोचेंगे 10 बार बुलाएंगे, इंक्वायरी क्या है, प्रूफ क्या है, एविडेंस क्या है। आप लोगों के लिए कोई प्रोविजन नहीं, आप लॉ पर भी एक लॉ नहीं पर भी क्वेश्चन, नहीं आई विल कम देयर, आई विल शिफ्ट टू द पॉइंट गाइस, लास्ट थ्री क्वेश्चन, वन मिनट। तो क्या हुआ था लास्ट, एक सेकेंड कंप्लीट तो करने दो। अब रेप का करते थे तनु पे जाऊं क्या? आई विल फिनिश दिस। तो लास्ट 10 दिन थे मेरे, तो मेरे वकील बोले बहुत अच्छी बात है अभी तुम्हारी बेल हो जाएगी, अब तुम बाहर आ जाओगे। तो वो हो रहा था, उसके बाद क्या हुआ, सडनली एक बंदा आते हैं जेल के अंदर एंट्री लेके, राखी के सो कॉल्ड ब्रदर हैं वो, मुंह बोले राखी के तो बहुत भाई हैं, वो तो छोड़ो 1000 की तनख्वाह है, भाई भी बनते हैं, वो छोड़ भी देती है, नहीं बता सकता, आई एम सॉरी, लीगली आई एम नॉट अलाउड टू टेल, और मैं फेक पब्लिसिटी किसी को देना नहीं चाहता, उनको पब्लिसिटी में देना नहीं चाहता, मैं बताता हूँ। ऑफकोर्स बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो बहुत सारे मैसूर के वीडियोस में अवेलेबल हैं राखी के साथ, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपको न्याय दिलाएंगे, सबसे पहले मुझे दिला दो न्याय, उसके बाद राखी को दिलवा, नहीं तो क्या हुआ, वो आके मुझे बोले कि राखी इम्पोर्टेंट है, सुनना प्लीज, राखी और रोशिना दोनों जो ईरानी लड़की है दोनों रेडी हैं कि पूरे चार्जेस वापस ले लेंगे, आप एक बार उनको फ़ोन करो। मैंने कहा सच में बोल रहे हो आप? उन्होंने बोला हाँ, वो बिल्कुल आके कोर्ट में खड़के ये बोलने के लिए तैयार हैं कि आदिल निर्दोष है और हम ये चार्जेस वापस लेंगे या वॉट एवर इट इज़। तो मैं बहुत खुश हो गया, मैंने वहाँ से फिर सबसे पहले मेरे एडवोकेट को कॉल करके बोला क्या ये हो सकता है? उन्होंने बोला हाँ, अगर वो आके बेल के दिन में बोलते हैं तो हम बहुत अच्छा होगा, केस भी आपका रद्द करवा देंगे, हम ट्राई करेंगे कि रद्द हो जाए। तो मैंने सबसे बड़ी गलती किया कि जेल के सुपरिटेंडेंट के पास मैंने रिक्वेस्ट किया, जेल में एक्चुअली फ़ोन कॉल सिस्टम होता है, एक्चुअली होता है, मैसूर में है ये फैसिलिटी, मैसूर में है, हर दूसरे दिन हम कर सकते हैं, लेकिन वो देने से पहले वो फ़ोन करके उन आगे वाले को पूछते हैं क्या आप बात करना चाहते हो, वो परमिशन देते हैं, वो बोलते हैं हाँ, हम आदिल से बात करना चाहेंगे, तो वो कनेक्ट करते हैं, मैं बात करता हूँ, राखी जी मेरे से 10 मिनट बात करती है और ईरानी गर्लफ्रेंड जो लड़की को भी लेते हैं कॉन्फ्रेंस में लेते हैं, सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड करके ही तो एफआईआर दिया था ना, इसलिए एफआईआर में तो वही लिखा था ना, एक्चुअली आप लोगों ने इतना रिपीट कर दिया ना तो प्रॉपरली उन्होंने बात कर रहे थे फ़ोन में, तो प्रॉपरली दे वर टॉकिंग टू मी कि क्या हुआ, छोड़ो हम चाहते हैं, रमज़ान का महीना है, आप बाहर आ जाओ, आप ईद आपके पेरेंट्स के साथ गुजारो, हम बिल्कुल चाहते हैं आप बाहर आ जाओ। आई वॉज़ वेरी हैप्पी, तो मैंने कहा ठीक है 12 तारीख को मेरी डेट है, आप आओगे? बोले कि हाँ, हम लोग आने वाले हैं। मैंने डिस्कनेक्ट किया, दोबारा मैंने वकील को कॉल करके बोला, उन्होंने बोला ठीक है 12 तारीख को आ रहे हैं, वेल एंड गुड। 12 तारीख एंड ऑफ द डे आ गई, 7 दिन बाद थी 12 तारीख। आई वॉज सो एक्साइटेड, जितने भी मेरे कपड़े वपड़े जो भी मेरी चीज़ें थे आई कलेक्टेड इन अ बैग, मैंने तैयार रखा बिकॉज मेरी रिहाई का टाइम है। 12 तारीख को शाम को मैं जाता हूँ, मेरे वकील को कॉल करके बोलता हूँ, मुझे पता चलता है मेरा वकील मेरे पे चिल्ला रहे हैं और बोल रहे हैं तुम पागल हो क्या, तुम वो हो, तुम ये हो। बोल रहा हूँ क्या हो गया? बोल रहे हैं वो लोग आए थे, जो लड़की है ईरानी लड़की वो आई थी, लेकिन उसने ने बयान दिया कि उसने तुम्हारे पे एक एडिशनल FIR किया है सेइंग कि आदिल फ़ोन इस नंबर से फ़ोन करके मुझे थ्रेट कर रहा है, मैं बाहर आके मारूंगा, कुचल दूंगा, जान से मार दूंगा। एक और FIR मेरे पे लॉड्ज होता है। जैसे वो नेगेटिव रिपोर्ट देते हैं जज को कि आदिल को आप बेल दे सकते हो, रिपोर्ट्स नेगेटिव है, जज साहब बोलते हैं ये तो ठीक है लेकिन उन्होंने ये फ़ोन किया है, ये इस ग्राउंड्स पे मैं बेल नहीं दूंगा, प्लीज़ आप हाई कोर्ट जाओ। विदाउट एनी एविडेंस, एविडेंस तो था ना, लीगल लीगल सुपरिटेंडेंट का नंबर गवर्नमेंट नंबर था। जेल में से जब बात कर रहे हो तो जो सुपरिटेंडेंट या जो भी यू नो सभी जो भी ऑफिसर बैठता है वो उसके सामने ही आपकी बातचीत होती है राइट कॉल पर? ऑफ कोर्स, हां। आप ऐसे तो हाइड करके बात नहीं कर सकते हो। हां, तो उस वक्त वही टाइम पर जो भी वहां पर ऑफिसर थे जिसके सामने आप बात कर रहे थे, प्रेजेंट ऑफिसर के सामने,
गवाही, इनफैक्ट क्वेश्चन भी वही है ना, नहीं गवाही तो देंगे सर, सॉरी जेल अथॉरिटी के सामने हम किसी को धमकी कैसे दे सकते हैं? एंड सबसे बड़ा सवाल यह है कि अथॉरिटी, जेल अथॉरिटी हमको अलाउ ही नहीं करेगी। जेल अथॉरिटी हमको अलाउ ही नहीं करेगी, जैसे ही हमने स्टार्ट किया थ्रेटनिंग वो तुरंत कट ऑफ करेंगे और अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। सो जेल अथॉरिटी ने अगर कोई, देखिए अगर कोई लेडी आपको जो लॉ के प्रोविजंस हैं, प्रिंसिपल ऑफ लॉ, वो आपको पता है कि कोई भी लेडी अगर जाती है पुलिस स्टेशन में और कहती है कि ये अपराध हमारे साथ हुआ है, तो एटलीस्ट FIR हो ना हो लेकिन NC तो हो जाएगी। आज आप जाएंगे पुलिस स्टेशन में, NC हम अग्री कर सकते हैं, बट FIR सो व्हाटएवर, लेकिन कोर्ट में जब हम बेल एप्लीकेशन करते हैं तो इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट जाता है। कोर्ट बहुत डीप में नहीं जाता, आर्ग्यूमेंट बेल एप्लीकेशन के आर्ग्यूमेंट के टाइम पे टेक्निकलिटीज में कोर्ट नहीं जाता, वो प्राइमा फेसी ये थोड़ा सा अपने केस को डैमेज करता है और उनका पर्पस ही देखिए क्या होता है ना कि बहुत सारे मैटर ऐसे हैं कि जांच करने के लिए राखी जी तो इतना सेंसेशन भी कर देती है कि वो जांच का पहले तो FIR ले लेगा, वो तो FIR होने से पहले आके मीडिया के साथ खड़ी हो जाती है, देखो मैं आदिल पे क्या कर रही हूँ, आदिल मुझे डांट रहा है, गाली दे रहा है, मार देगा, वो भी क्या करेंगे ऑफिसर्स भी। तो NC करने के बाद FIR क्यों किया? उन्होंने एक प्रॉपर नंबर दिया था, गवर्नमेंट का नंबर, सुप्रिटेंडेंट का नंबर दिया था और कहा था FIR, यही तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, लड़कियों के लिए इतना अच्छा लॉ बना के रखा हुआ है हमारे संविधान में, पहले FIR बाद इंक्वायरी। अभी इन्वेस्टिगेशन उसकी चल रही है, वो केस भी मेरे पे रद्द हो जाएगा, बिकॉज अभी वो जो ऑफिसर को भी बुलवाएंगे वो आके बोलेंगे कि नहीं आदिल ने कोई धमकी नहीं दी थी, ये सब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी उन्होंने भी चार्जशीट मुझे लगता है 2 दिन पहले फाइल की है कि उसको जो बी रिपोर्ट बोलते हैं क्या सर, उसको बी रिपोर्ट, बी समरी हाँ बी समरी वो करने वाले हैं कि ये एक झूठा केस है। सबसे पहले तनु चंदेल की जो आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं, हाँ मेरी दोस्त है, हम एक प्रोजेक्ट में साइन थे, हम एक प्रोजेक्ट साथ में कर रहे थे, कास्टिंग डायरेक्टर में हमने साइन किया था, हम रिहर्सल्स के लिए मिलते थे, ये सब था। और जो भी राखी ने आपको पिक्चर दिए हैं वो राखी का कोई स्पाई कैमरा नहीं था, मैं ही पिक्चर्स क्लिक करके राखी को भेजता था, बिकॉज वो मेरी वाइफ है, कि राखी मैं यहाँ हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। और तनु चंदेल से राखी एक दो बार मिल भी चुकी थी, मैंने उनको ऑलरेडी मिलाया भी था कि राखी मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, राखी ये चीज़ों को ठीक तरीके से जानती थी कि क्या होने वाला है। राखी ने इसको प्रॉपरली ऐसे पोर्ट्रे किया कि आदिल की गर्लफ्रेंड है चन्नू चंदेल और व्हाटएवर, और उसने मीडिया में डाला और व्हाटएवर शी डिड, क्यों जब मैं था तब करना था ना, जेल में भेजने के बाद तुम ये क्यों कर रही हो, फ्रेम कर रही हो? अगर मैं अभी भी बोल रहा था राखी को, अगर तुम में सच्चाई थी तो तुम एक अच्छे कॉन्फ्रेंस बुलाती, बैठ के मुझसे बात कर लेती, डिबेट कर लेती, तुमको क्या इतना ज़रूरत था कि तुम मुझे सबसे पहले जेल भेजो और पीठ पीछे बोलो कि आदिल वहाँ से आवाज़ ना उठा पाए। अच्छा सबसे बड़ी बात एक और थी कि जब ये केस चल रहा था तो जितना भी एलिगेशन राखी जी करती थी आप लोगों के सामने, जो भी एविडेंस प्रूफ सामने आप लोगों को देती थी, तो दिस इज द मैटर ऑफ ग्रेट सरप्राइज कि जब मैटर चल रहा है प्रॉपर अथॉरिटी कौन है उसको, या तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, ऑनरेबल कोर्ट है, आपको वो सारे एविडेंस जो भी इनके अगेंस्ट में थे आपको या तो पुलिस को सब सबमिट करनी चाहिए या तो अपने लॉयर को दे के कोर्ट में सबमिट करने चाहिए था, तो उसमें से एक भी एविडेंस कभी कोर्ट के सामने ना आया, ना ही पुलिस के सामने आया। And also there were chats in which you were telling Tanu that आप बहुत जल्द राखी से डिवोर्स लेके उनके साथ शादी करेंगे। चैट्स क्या आप वो मुझे चैट्स प्रूफ कर सकते हो? क्या वो मेरा नंबर था आप मुझे प्रूफ कर सकते हो? राखी ना इतनी स्मार्ट मास्टरमाइंड क्रिमिनल है ना, वो नंबर वही रहता है, एडिट में जाके नाम बदल देती है, चन्नू तंदेल, आदिल खान दुरानी, मई जान, आदिल वन, ये बहुत अच्छे से खेलती है, उसको पता है क्या करना है, वो मेरा नंबर है क्या? वही चैटिंग कर दे, दोनों फोन उसके ही, तनु भी राखी, आदिल भी राखी, एविडेंस आदिल, ये राखी ने क्यों नहीं किया जब मैं बाहर था यार? आप कहते आदिल 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 आ
इनको पीछे खड़ा दो, यही सवाल दोबारा आप मुझे पूछते हैं तोड़ के, वही सवाल। सबसे पहले जो मैं तनु चंदेल के घर चला गया था रहने के लिए, उसके बारे में बात कर लूं। जैसे मुझे पता चला था यूके में, प्लीज गाइस बी क्वाइट, मेरी आवाज देश को तो जाना चाहिए ना। जैसे राखी को पता चला था कि मेरे पास बहुत कुछ एविडेंसेस है, अभी मुझे पता चल गया है रितेश सिंह के बारे में एवरीथिंग। जब हमारा झगड़ा होता, राखी ने खुद मुझे मेरे कपड़े फेंके और बोले घर से गेट आउट हो जाओ, ये मेरे पास एविडेंस है। ये देखो, राखी ने मेरे कपड़े फेंक दिए हैं घर के बाहर। ऑफ कोर्स मैंने रिकॉर्ड, नहीं मैं पूरे वीडियोस दूंगा साधना, मैं आपको दूंगा, आप हाँ ग्रुप में डाल। दिस वाज ऑन February 1st, राखी ने कपड़े फेंके और बोले अभी मैं तुम्हें कुत्ते की हालत कर दूंगी आदिल, अगर तुम मीडिया में जाओगे। क्या तुम बड़े आदमी बन के बोल रहे थे कि मैं 2 दिन में लाके पूरे एविडेंस दूंगी? 2 दिन में मैं तुम्हें 24 घंटे में तुम्हारी हालत क्या करती हूँ? सबसे पहले तुम कपड़े लो और बाहर निकलो। उसके बाद राखी ने क्या किया, उससे थोड़ा पहले उनको पता था, मैं मेरे पेरेंट्स को मेरी फैमिली को वो लोगों को तो पता नहीं था मैं शादीशुदा हूँ राखी के साथ, बिकॉज आपने मैंने बताया था क्यों क्या रीजन से। तो मैं मेरी फैमिली को बोलने लगा कि मेरे और राखी के बीच में कुछ अनबन हो रही है, मैं लगता है मैं मैसूर आ जाऊँगा। मेरी फैमिली बोले ठीक है आ जाओ, क्या हुआ? मैं बोलता था ठीक है मैं आके बताऊँगा। ये राखी को पता था कि मैं मैसूर जाने वाला हूँ बहुत जल्द, और मैं राखी को ये भी मैंने बोला था, राखी जो भी हमारे बीच में मामले हैं फाइनेंशियल्स जो भी है हम बैठ के सेटल कर लेते हैं राखी, हम ख़त्म करते हैं और मैं जाने वाला हूँ मैसूर। वो बोली नहीं तुम जा नहीं सकते, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं बोला नहीं छोड़ने की बात क्या है, तुम तो चीटिंग कर रही हो मेरे साथ, तुम उसके रितेश के पास हर महीने पैसे ले रही हो, रितेश के साथ घूम रही हो, तुम रितेश के साथ पूरी दुनिया घूम रही हो, तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ हस्बैंड बन के रहूं या तुम्हारा वॉचमैन बन के रहूं जो मैं नहीं रह सकता, लेट्स एंड इट हियर। तो राखी ने एक दिन शादी का अनाउंसमेंट रैंडमली कर दिया। एक दिन मैं सोया, सवेरे उठ के देखता हूँ 104 कॉल्स मेरे मॉम के, मेरे डैड के, मेरी आंट के, मेरी बहन के, मेरी पूरी फैमिली कॉल कर रही है। तो जब एक इंसान को ऐसे फ़ोन आते हैं, आप क्या समझते हो कि फैमिली में कुछ इंसिडेंट तो नहीं हो गया, तो इतने कॉल कर रहे हैं। सबसे पहले मैं मेरे मॉम को कॉल किया तो कॉल वेटिंग था, सेकंड आंट को किया तो कॉल वेटिंग था, थर्ड मेरे डैड के, डैड को मैं यूजुअली बहुत डरता हूँ, ज़्यादा बात नहीं करता उनसे, तो मैंने नहीं किया। तो थर्ड 1-2-3 मिनट तो थे मेरे पास, आई ओपन इंस्टाग्राम, देखता हूँ तो बम्बार्ड हो चुका है इंस्टाग्राम, आदिल इज मैरिड टू राखी सावंत, टैग्स वो ये एवरीथिंग। तो आपको पता होगा उस टाइम मैंने डिनाई कर दिया था फॉर अ शॉर्ट टाइम, डू यू रिमेम्बर? नहीं, आई एम नॉट मैरिड। देखता हूँ घर में राखी नहीं है, राखी बाहर है, मैं जाके राखी को जाके मिलता हूँ, कहाँ हो? बोलती है वाई नॉट फिटनेस में, नीचे हो आ जाओ। मैं जाके जैसे राखी को मिलता हूँ, राखी का एक वर्ड था मुझे, बताती हूँ राखी सावंत अभी क्या है, डील करो, अभी तुम फैमिली के पीछे कुत्ते बनोगे या मेरे पीछे या पब्लिक के पीछे, अभी दिखाती हूँ मैं क्या चीज़ हूँ, अभी स्टार्ट होगा आदिल तुम्हारी ज़िंदगी। उसके बाद जैसे मेरे माँ ने कॉल किया, लिटरली मेरी फैमिली ने मुझे डिसोन कर दिया, बोला तुम इतने बड़े झूठे हो, तुम फ़ोन करके बोल रहे हो राखी के साथ मेरी नहीं जम रही आते, तुम हमारे एक लौटते परिवार के बेटे हो, तुमने शादी कर ली, खुद के पेरेंट्स को नहीं बोलना सही समझा, हमको नहीं इन्वाइट किया, इतना बड़ा ज़िंदगी का डिसीशन, तुम्हारी 27 इयर्स की ज़िंदगी का, हमारी एक अरमान होती है कि हम मरने से पहले हमारे बच्चे की शादी देखें, और तुमने शादी भी कर ली, और इस एक साल में तुम कितने बार मैसूर आ रहे हो, आपको एक बार भी नहीं लगा तन्हाई में कि मैं मेरी माँ को बता दूँ कि मैं शादीशुदा हूँ और कन्विंस कर लूँ, बेग करूँ, माँ से समझूँ, जो भी करूँ, झगड़ा करूँ, माँ को एटलीस्ट समझाऊँ कि मैं शादीशुदा हूँ। ये हालत मेरी मैसूर की हो चुकी थी, पूरी दुनिया मेरे पीछे, नेगेटिव कमेंट्स, गालियाँ, इतनी बड़ी बड़ी गालियाँ, मीडिया मेरे पीछे। उस दिन रात को राखी मेरे कपड़े भी फेंक देती है बाहर और बोलती है गेट आउट, तुम जाके मेरा और रितेश का प्रूफ करोगे, अभी देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। लेट मी कम्प्लीट, डोंट आस्क मी एनी क्वेश्चन, आई वॉन्ट टू कम्प्लीट दिस। राखी की एक दोस्त है, सो कॉल्ड फ्रेंड राजश्री मैडम, जिसको मैं घर के बाहर मेरे कपड़े सब कुछ मेरे कार में रख रहा हूँ दुख में, वो अच्छी दोस्त की तरह प्रिटेंड करती थी। मैंने उनको कॉल किया और बोला
राजश्री मुझे तो राखी ने बर्बाद कर दिया है, अभी देखो मैं राखी के साथ क्या करता हूँ। और राखी रितेश से बात कर रही है, घूम रही ये नहीं, मुझे ये भी पता है कि राखी रितेश के साथ शादीशुदा है, ये मुझे पता था। तब मेरे पास एक ही एविडेंस था, सारे नहीं थे, एक एविडेंस था मेरे पास। अभी जाके मैं मीडिया में बताऊंगा, मीडिया से पहले मैं कोर्ट जाऊंगा, क्योंकि मुझे मीडिया ट्रेल नहीं चाहिए, मैं लीगली जाऊंगा और राखी को अंदर करवा दूंगा। ये राजश्री मैडम कट करती है और उनको फ़ोन करके बोल देती है, राखी 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 बताओ। राखी मुझे नेक्स्ट दिन बहुत प्यार से बुलाती है, आदिल आप कहाँ हो, आओ एक मिनट आ जाओ, कुछ सॉर्ट आउट कर लेंगे, बात करेंगे। तो मैं गया रेस्टोरेंट, वो येलो कलर के कपड़े पहन के जहाँ लास्ट टाइम मिला था हमें, खाना वाना खिलाया राखी ने और बोला क्या करना चाहती हो तुम बताओ तुम्हारे तरीके से। मैंने बोला सबसे पहले राखी हमारा रिश्ता बहुत ख़राब हो चुका है, मुझे लगता है मुझे थोड़ा टाइम के लिए मैसूर जाना है, एक दो तीन महीने का हम लोग ब्रेक लेते हैं इस रिश्ते से, फिर हम बैठ के सोचेंगे हमको क्या करना है। अच्छा तुमको डिवोर्स नहीं चाहिए, राखी बहुत फास्ट चीज़ें हो रही है, तुम रोज़ हर घंटे में मेरे पे बॉम्ब फोड़ रही हो, ब्रेक ले लेते हैं। राखी मुझे ये नहीं पता था राखी मैडम को तो ब्रेक नहीं चाहिए, उनको कॉन्ट्रोवर्सी को बड़ी करनी है। मैंने कहा राखी से मैं जाना चाहता हूँ, राखी प्लीज़ मेरे पासपोर्ट, मेरी चेकबुक, साइन चेकबुक राखी के पास थी घर पे, मेरे बॉन्ड्स घर में थे, जैसे जो मेरे डॉक्यूमेंट मेरे वाइफ के पास रखता हूँ, मेरा पासपोर्ट, मैंने कहा मेरी एक डायमंड रिंग थी, थोड़ा कैश 125,000-130,000 था, तो मैंने बोला थोड़ा कैश भी दे दो मुझे, मैं मैसूर जाना चाहती हूँ। वो बोली, रात थी 10-10:30 बजे उस दिन रात में हम मिले थे, तो राखी बोली कि सवेरे आके लेके जाओ। मैं बोला अब क्यों नहीं, 2 मिनट तो लगेंगे देने के लिए चीज़ें। बोली कि नहीं 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 सवेरे आ जाओ, अभी तुम ये बताओ जाने से पहले तुम रितेश और मेरे बारे में कहीं कुछ बोलोगी तो नहीं। नहीं राखी मुझे लगता है मैं बताऊँगा, मैं डिले करूंगा लेकिन मैं बताऊंगा, एक ना एक दिन बताऊंगा, क्योंकि तुमने मेरे बारे में बहुत गंदगी कर दी है। अच्छा ठीक है छोड़ो, तो वो तुम्हारी मर्जी है, तुम जो भी करो, ठीक है आप आ जाओ। कहाँ आ जाओ, घर आ जाओ। 10:30 थे सवेरे मॉर्निंग, आई कॉल्ड हर, राखी राखी क्या हुआ, मैं तो तुम्हारा 9 बजे से इंतजार कर रही हूँ यार, फटाफट आओ सब कुछ लेके जाओ, कॉल कर रही हूँ तुम्हारा नंबर भी बंद आ रहा है। मैंने बोला सॉरी मेरे पास चार्जर भी नहीं था, चार्जर्स भी मेरे आपके घर में पड़े हैं, मैं आता हूँ। 10:50 मैं घर पहुँचा, डोर खुला, देखा मेरे पूरी चीज़ें टेबल पे थे, मैं गया मेरी चेकबुक सब देख रहा था, साइन चेक्स, मैं तो बोल रहा इतने सारे चेक्स मैंने साइन किए, ठीक है ओके मैं सब कुछ ले रहा था। राखी मेरे पैर पे गिर गई, बोलने लगी सॉरी मैंने रियलाइज़ किया इस 2 रातों में मैं आपके बिना जी नहीं सकती, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, जो मैंने आपके साथ किया, मैंने रितेश के साथ भी जो भी किया मुझे माफ़ कर दो, मैं मीडिया के सामने आके माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, दुनिया के सामने सब कुछ, ब्ला 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 15 मिनट तक ड्रामा चलता रहा, इतना रो तो इतना रही थी नाटक में तो फ्लोर भीग गया था। आई ऑल्सो बिलीव्ड, ठीक है मैं बोला ठीक है राखी अब बैठो हम बात करते हैं। आई वेंट टू किचन, मैं पानी लाया और मैं पानी दिया, मैं तो घर भी नहीं था, मेरे पास 2 दिन से वो एक ही कपड़े में घूम रहा था मैं, वो येलो कलर का शर्ट, आई कैन नॉट फॉरगेट दैट। मैंने बोला राखी अब पानी वानी पियो बैठो, मैं तब तक नहा लूँ, मैं भी थोड़ा नहा लेता हूँ, अब रो मत। एक बेल रिंग होती है टिंग टोंग, राखी भाग के जाती है, डोर खोलती है, पुलिस के पैर में गिर जाती है, बोलती हो क्यों इतना देर कर रहे हो, मुझे मार रहा है, मुझे पीट रहा है, मुझे बचा लो, मेरा मर्डर कर रहा है, चाकू लाने किचन गया है। मैं किचन में खड़ा हूँ, राखी को पानी देने के बाद मैं मेरे लिए एक ग्लास पानी लाने के लिए गया हूँ, सीधा 17 ऑफिसर्स थे, 17 ऑफिसर्स आते हैं मुझे अरेस्ट करते हैं, मुझे बोलते हैं चलो हमारे साथ ओशिवारा पुलिस स्टेशन। मैंने उस टाइम तो मैं कुछ नहीं पूछ पाया, जब हम ऑन द वे जा रहे थे पुलिस स्टेशन तो मैंने पूछा सर चार्जेस क्या है मेरे पे, क्यों मुझे लेके जा रहे हैं, तुम्हारे पे FIR हुआ है रात में 3:30 बजे, राखी ने मुझे रात में मेरी चीज़ें नहीं दी, सवेरे का टाइम दिया, बिकॉज उस रात वो FIR करना चाहती थी मेरे पे। राखी ने नहीं, उसके एक दिन पहले ही राखी ने कंप्लेंट कर दी थी, उसके बाद FIR कन्वर्ट हुआ, मुझे अरेस्ट कर लिया गया। मैं गया, मैं बोला चार्जेस क्या है, उन्होंने बोला कुछ 420 फाइनेंशियल है, 4-5 धाराएं लगी है, नो प्रॉब्लम, ये नोटिस पकड़ो आप, आपका जो भी स्टेटमेंट आप दो और 6:30 बजे आप जा सकते हो, आप जा सकते हो, ये स्टेशन है, स्टेशन बेल होता है ना, स्टेशन सेक्शन 41 का नोटिस जो देते हैं, 3 डेज का टाइम देते हैं अपना वर्क करने के, जो 3 जो नोटिस देते हैं, जो ये नोटिस भी दिया था मुझे,
लेकिन आदिल आप बोल रहे हैं लेट मी फिनिश दिस शॉर्ट में लग रही है क्योंकि वो बोल रहा लास्ट क्वेश्चन आदिल भाई के काम मेरा मेनी क्वेश्चन जाना नो आई विल आंसर आई एम वेरी मच हियर डोंट वरी तो क्या हुआ था ये चीज़ें मैं आपको दे देता हूँ नोटिस दिया और मैं बैठा था तो एक पुलिस ऑफिसर आते हैं एक डेढ़ घंटे बाद बोलते हैं साला तेरी किस्मत बहुत कुत्ती किस्मत लेके तू आ गया मैं बोला क्या हुआ बोल रही है तेरी बीवी तो 377 के चार्जेस बना रही है तेरे पे मैं बोला ठीक है इसको भी आप छोड़ दोगे नहीं नहीं इसको हम नहीं छोड़ सकते तुम जेल जाओगे अभी अरे मुझे अंदर बिठा के राखी एक और कंप्लेंट कर रही है कि 377 इसने मेरे पे ये भी किया है मुझे अरेस्ट कर लिया गया उस टाइम में हाँ अभी पूछिए सुनने में आया कि पूरे केस बनाने में राखी सावंत पे जो है पुलिस ध्यान नहीं दे रही थी तो किसी भाईजान का फोन आया था कौन भाईजान वो आपके सोर्सेस बताएं किसका फोन किसको आपको पुलिस को अब पुलिस को किसका फोन गया था तो पुलिस बता सकती है ना या तो राखी जी बता सकती है क्या आप कभी भी राखी सावंत पर वायलेंट थे आपने उन्हें मारा है हाथापाई हुई है क्योंकि कई सारे चोट के निशान भी उन पर नजर आए जबकि जिस दिन उनकी मौत लिपस्टिक वाला निशान लिपस्टिक वाला नहीं, आप वापस दिखाओ मुझे निशान देखेंगे मैं मैडम आपके सवाल के जवाब में मैं आपसे एक सवाल करता हूँ वो जवाब होगा मेरा सवाल ही आपके लिए जवाब होगा मैं आपको ये भी मैं ही कर लेता हूँ नहीं मैं ही कर लेता हूँ आपसे ठीक है मेरा ही सवाल है आपको लगता है क्या राखी सावंत को कोई गाली भी दे दे इतनी इजी है राखी सावंत मारना तो छोड़ो आपको लगता है मेरे जैसा लड़का राखी पे हाथ उठा दे और राखी छोड़ देगी मुझे उनके भाई ने भी कहा कि आप उन पर वायलेंट थे राखी उन्हें कॉल करके रोती थी सबसे पहले उनके भाई तो हमारे साथ नहीं रहते थे और उनके साथ कोई ताल्लुकात भी नहीं थे आके मीडिया ट्रेल करने से पहले थोड़ा रिसर्च तो करके दो अभी चलो मैं बताता हूँ राखी ने एक जो लिपस्टिक में मार्क बना के बोला कि मुझे आदिल पीटता था जो हाफ फोटो हाफ ये थी वो मैंने देखा उसको और बोलती थी आदिल ने मुझे पीटा है नंबर वन मैं एक इस्लामी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ मैं एक प्रॉपर साउथ इंडियन हूँ जो मेरे मॉरल्स हैं मुझे कहीं भी ये नहीं कहते कि लड़की पे हाथ उठाना है जहाँ मेरे घर में ये चीज़ें होती है ये कभी भी नहीं हुई है रही बात राखी हमेशा जब मेरे रितेश का ट्रायंगल बन गया था हर छोटी छोटी बात पे राखी मुझे पीटती थी मेरे पे हाथ उठाती थी और मेरे पास एविडेंस है और इसका मेरे पास ये भी है इसका मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट भी है जहाँ मैंने जाके सरकारी हॉस्पिटल में करवाया था जिसमें नाखून के निशान है स्लैप किया था इधर मुझे खून आ रहा था मैंने मेडिकल करवाया है सॉरी ये हालत मेरी राखी ने की थी जस्ट फॉर अ ग्लैंस ये सब मैं फॉरवर्ड कर दूंगा ये सब मैं ग्रुप बना देखो मेरा मानना है हस्बैंड और औरत के बीच में जो भी चीज़ें हो रही है मुझे मीडिया ट्रेल नहीं चाहता था आई मुझे सॉर्ट आउट करना था उसके साथ ही बैठ ये चीज़ें मैं एक बार टीवी बोल रहा हूँ मैं मीडिया के सामने आके मैंने बोला था कि प्राइवेट चीज़ें राखी से मैं विनती करना चाहता हूँ कि प्लीज़ प्राइवेट रखें इसको उछालो मत और मेरा एक ही सलूशन था राखी आप मुझे मार रही हो पीट रही हो मुझे कोई मीडिया ट्रेल नहीं चाहिए मैं कोई पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहता बीवी को मैं बीवी मानना चाहता हूँ प्लीज़ हम ये रिलेशनशिप को म्यूचुअली बैठ के चार कमरे के अंदर ख़त्म कर लेते हैं आप मीडिया में जो भी दे दो स्टेटमेंट कि ये हुआ हुआ हम अलग हो जाते हैं जो भी हमारे फाइनेंशियल्स हैं हम हिसाब किताब कर लेते हैं और हम एक दूसरे के साथ रिश्ते को ख़त्म कर लेते हैं तो अभी क्या केस करने वाले हैं आप राखी के खिलाफ ये सारे पहले आपके क्वेश्चन पहले उनके क्वेश्चन आप कसम मैंने एक इंटरव्यू में रिसेंटली कहा है एक और बार बताता हूँ मैं वो वीडियो को आपके पास किसी के पास है क्या वो वीडियो अभी नहीं है वो वीडियो मैं जब आप मैं बोल रहा हूँ इसके बाद जाके आप दोबारा वीडियो को देखना हो आपको समझ आ जाए राखी ने मुझे कुछ ड्रग किया था एक टैबलेट दिया था मैं एकदम कुछ ऐसे नशे जैसा होता ना ऐसे इसमें हूँ और उस वीडियो में आप देखो कि मैं टैबलेट्स ले रहा हूँ सर की दर्द के टैबलेट्स खा रहा हूँ और राखी मुझे सवाल पूछते जा रही है और मैं जवाब दे रहा हूँ
मुझे बहुत सरदर्द हो रहा था और मैं टैबलेट्स ले रहा था, नंबर वन. नंबर टू, राखी ने मेरे बिजनेस में, हाँ, ऑटोमोबाइल के बिजनेस में ज़बरदस्ती 1.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे, हाँ. और 8-9 महीने तक राखी, एट टू नाइन मंथ्स राखी मेरे से हर महीने के 5 से 8 लाख रुपए इन अकाउंट, कैश नहीं, प्रॉफिट ले रही थी. एक बार कुछ अनबन हुई मेरी और राखी की, ये वीडियो के बाद ही हुई. मैंने बोला, राखी तुम्हारे पैसे भी नहीं चाहिए, तुम मेरे पास इन्वेस्टमेंट्स मत करो यार, ख़त्म करो. और मैंने 41 लाख रुपीज़ राखी के अकाउंट में वाइट में दोबारा ट्रांसफ़र भी कर दिए. अब जो भी वो रिमेनिंग अमाउंट बनता है, जब मैं फाइनेंशियल्स में बैठा था राखी के साथ, मैं बोलता था राखी हम ख़त्म करते हैं, तो मैं राखी को बोलने लगा कि राखी हम एक काम करते हैं, हमारा फाइनेंशियल्स को एक बार पेपर में लाके देखते हैं क्या है किधर है, हम ख़त्म करते हैं. जब फाइनेंशियल्स में हम लोग बैठे तो पूरा हिसाब किताब जब हो गया, राखी बोली चलो बोलो 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 फाइनेंशियल देखते हैं. तो मैंने कहा ये है हिसाब, और इसके हिसाब के, ये हिसाब किताब के तहत आपको मुझे 91,75,000 रुपीज़, क्लोज टू 1 करोड़ आपको मुझे देना है. अभी राखी बोल रही थी आदिल को मुझे 1.5 करोड़ रुपए देना था. कोई एविडेंस है राखी के पास? नहीं. अभी मैं बोल रहा हूँ, मुझे, मैंने राखी को पैसे दिए थे, राखी को मैंने BMW गाड़ी दी थी, राखी को मैंने डायमंड नेकलेस गिफ्ट किया था, दानियू प्रॉपर्टीज दुबई में मैंने राखी को घर दिलवाया था. क्योंकि वो घर का क्या था कि राखी वॉज लाइक एक अच्छा पेमेंट प्लान में घर मिल रहा है, 25 लाख रुपए भरने होते हैं इन्हीं, उसके बाद हर महीने 1-1 लाख रुपए भरने होते हैं. 25 लाख आप भर दो, 1-1 लाख मैं ही भरूंगी हर महीने, हमारा घर हो जाएगा दुबई में. आई वॉज ओके कन्विंस, मेरा एक पेमेंट भी आया था. तो मैंने 25 लाख रुपए राखी के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, मेरे पास एविडेंस है. उसके बाद राखी का एक इम्पीरियल हाइट्स में घर है जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स की वजह से NPA हो चुका था लोन में, जिस पे लोन था 40 लाख रुपए के, जो बैंक ऑफ बड़ौदा में लोन चल रहा है टाउन ब्रांच में. मैं वहाँ पे जाके पैसे ट्रांसफ़र किया था 20 से 30 लाख के अंदर एक रकम, वो भी मेरे पास एविडेंस है. और राखी सावंत एक आके बोलती है मुझे एकेडमी करना है, स्कूल करना है, एक्टिंग इंस्टीट्यूट करना है. तो मैं राखी को बोला था इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है राखी, तो मैं ये नहीं करूँगा. इस वजह से एक दो प्रोजेक्ट्स मैंने साइन भी किए थे. देन आई मेड श्योर मैं एक्टिंग क्लासेस गया, मैं समझने लगा कि एक स्कूल कैसे करना चाहिए, हु आर द टॉप स्कूल्स, क्या क्या कोर्सेज हम रख सकते हैं. देन आई केम, राखी को मैंने बोला कि हम ये करते हैं राखी. तो राखी बोली मेरी जगह है, आप इन्वेस्ट करो, जिसमें मैंने 40 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे मार्केटिंग सब. आपको तो पता है ना, हमारी एकेडमी खुलने वाली थी, वो आ रहा था, हमारी स्कूल खुल रही है, वो सब मार्केटिंग भी स्टार्ट हो गई थी, उसमें मैंने 10-12 लाख लगाए थे. उसके अलावा हमारा रादिल प्रोडक्शंस था, एक प्रोडक्शन हाउस था, उसमें मैंने पैसे लगाए थे. ये सब जो हिसाब किताब अगर हम टैली करते थे तो राखी को एक बहुत बड़ी अमाउंट मुझे देना बाकी था. अब जो भी मैं बोल रहा हूँ, राखी मुझे पैसे देना है, आई हैव एन एविडेंट प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट फॉर दैट. ये है बॉन्ड जिसमें मेरा सिग्नेचर है, नीचे राखी का सिग्नेचर है. अगेन आई विल फॉरवर्ड दिस इन ग्रुप, अभी रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूँ. और थंब भी है राखी का. एक सेकेंड. राखी, अब राखी को एक और बार, अभी ये मत एक्टिंग बोल देना कि आदिल ने मेरा अंगूठा काट लिया था, राखी आदिल ने ये कर लिया, प्लीज. ओके, नया एपिसोड मत कर. मैंने कहा ग्रुप में मैं भेजूंगा. और ये है रादिल प्रोडक्शंस की पार्टनरशिप डीड. अरेस्ट बैंक स्टेटमेंट हमने पुलिस को ऑलरेडी दे दिए हैं, सारे पेमेंट उसी ग्राउंड्स में बिल मिली है मुझे. हाँ, ये जो अभी इसकी बात करूँ, किसकी, एकेडमी की. एकेडमी के चलते एक दो लोग इसके, इससे धोखा भी खा चुके हैं. जो दुबई में हम एकेडमी करने वाले थे, वहाँ पे एक बहुत अच्छी लेडी हमें मिली थी, उनका नाम है हिना साजन. उनके साथ माइंड गेम्स खेला, उनको उस कंपनी से निकाला राखी ने, बहुत कुछ किया उनके साथ. उसके बाद देविका आचार्य करके एक नई इन्वेस्टर थी, उनके साथ उन्होंने बहुत कुछ किया, एकेडमी के नाम पे बहुत कुछ पैसे लूटे हैं उनसे. आफ्ताब, तीन इन्वेस्टर से भी उन्होंने बहुत कुछ पैसे लिए हैं और जाके एकेडमी बहुत शानदार से ओपन कर दिया था राखी सावंत जी ने दुबई में, जो एकेडमी करेंटली बंद है, बंद हो चुकी है. बिकॉज उनको तो बिजनेस समझ नहीं आता, उनको तो बिजनेस का मीनिंग ये है कि एकेडमी खोलो, लोगों को लूट लो और भाग जाओ. यही किया है राखी ने. एकेडमी खुल भी गई और बंद भी हो गई, क्योंकि चलाने वाला तो इधर बैठा है, आइडिया तो मेरा था. अकॉर्डिंग टू द डीड, एकेडमी की ओनरशिप मेरी है, लीगल राइट्स मेरे हैं, फ्रेंचाइजीज मेरे हैं, पैसा मेरा है, सब कुछ मेरा है. राखी सिर्फ ब्रांड है, नाम सिर्फ नाम है. अच्छा,
अरे भाई प्यार अंधा होता है, हमने सुना है। प्लीज 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 लॉबी जेल एक नाइटमेयर है क्योंकि मैं जेल जा चुका हूँ। पहले भी आपने कोई इंटरव्यू में देखा होगा, रिसेंटली जो मुझे जेल में मिले थे एजाज भाई, उन्होंने भी बताया एग्जैक्टली जेल ऐसी है। खाना ठीक से नहीं मिलता, कुछ भी ठीक से नहीं मिलता, और तन्हाई में ना इतने महीने जब आप बैठते हो आप सोचते हो अगर आप सच में कुछ गलती की हो ना, आपका ज़मीर भी आपको जवाब देगा कि हाँ यार तूने तो गलती की है, तुझे एक सज़ा। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया, एक एक छोटी से छोटी गलती मेरी नहीं थी। मेरी सबसे बड़ी भूल क्या थी कि यार राखी को प्यार करना मेरी भूल थी, कि यार राखी के साथ अच्छा टाइम बिताना, राखी के ऊपर लाखों रुपए लुटाना, राखी के कपड़े ड्रेसिंग सेंस, जो राखी हर हमेशा बोलती थी आदिल मेरे कपड़े डिज़ाइन करता है, उसको लेके जाके बीवी के नाते दुबई मॉल में लेके जाके गुची प्रहडा लुई वितो मोबला ऐसे ब्रांड्स में कपड़े दिलवाता था, एक एक ड्रेस एक एक लाख की। उसको इतने अच्छे से मैं रखा था इस्लाम में, कपड़े ढंग से पहनो। तो राखी सावंत जी इस्लाम के, इस्लाम कोई भी रिलीजन को राखी नहीं छोड़ रही है, ना क्रिश्चियन को छोड़ी है, ना हिंदू को छोड़ी है, ना मुसलमान को छोड़ी है। वीडियो बना के डालती है, मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ, मैं रोज़ा रह रही हूँ, एक हफ्ते 10 दिन पुरानी रीसेंट उसकी उनके पोस्ट में उनके कपड़े ही ठीक से नहीं है, बोल रही है क्लीवेज दिख रहा है, वो ये कपड़े होते हैं क्या? आप लोग नोटिस करो जब मैं था कितने अदब से राखी को रखा था, कभी भी वो क्लीवेज दिखाती थी, कपड़े कैसे थे राखी के, आई यूज टू कंट्रोल हर लाइक माई वाइफ, समझाता था, प्यार करता था और बोलता था कि ऐसे कपड़े पहनो, चलो मैं तुम्हें ड्रेस लेके देता हूँ, चलो मैं तुम्हें तमीज़ सिखाता हूँ, इतना सब मैंने किया। आई डोंट थिंक मुझे एक सेकेंड भी ये चीज़ के लिए ना जेल में डिजर्व करता हूँ। राखी की गलतियाँ रख के, राखी मुझे धोखे से शादी करती है, राखी मुझे मारती है पीटती है, डाइवोर्स देने के बगैर वो जाके शादी कर लेती है, मुझसे भी शादी करती है, मुझे लूटती है। हाँ ऑफकोर्स मुझे धोखा ही दिया ना, अगर वो पहले से शादीशुदा थी तो वो क्यों उससे शादी की डाइवोर्स देने के बगैर। लेट मी कंप्लीट मुझे पता नहीं सलमान भाई और राखी भाई बहन का रिश्ता क्या है, मुझे पता नहीं, बिकॉज एक डेढ़ साल में तो मैंने कभी भी नहीं देखा सलमान भाई उनसे बात करते हैं, कुछ भी मैंने नहीं देखा, वो तो मीडिया ट्रेल वो खुद ही करते रहती है। सलमान भाई मेरे भाई हैं, ठीक है भाई हैं, मेरे भी तो भाई हैं, लेकिन मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं उनको पर्सनली ना जानता हूँ ना मैं उनको कुछ भी करता हूँ। बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा नाम है सलमान खान और वो राखी को जो कहते हैं वो मानती हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे आप सलमान खान को? सलमान सर से मैं क्या ही कह सकता हूँ, जो भी मेरे साथ हुए हैं ये चीज़ें, मैं डेफिनेटली एक दो बात कहूँगा, मैं चुकने बैठने वाला हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट क्या, मैं तो नरेंद्र मोदी जी के पास भी जाने वाला हूँ, बिकॉज मुझे जस्टिस चाहिए, मैं जस्टिस लेके रहूँगा, मैं करके ही रहूँगा, मैं कोर्ट जाऊँगा, मैं वॉट एवर इट इज़ मैं करने वाला हूँ, लेकिन जो भी मैं लीगल स्टेप्स लेने वाला हूँ मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि मुझे मीडिया ट्रेल नहीं चाहिए, मैं कोर्ट जाने वाला हूँ, मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ राखी के अगेंस्ट। हमको जो भी कहना है अब हम कोर्ट में। आपको लव जिहाद भारी पड़ा है। हाउ इट इज हाउ ये अच्छा ये लव जिहाद कैसे हो सकता है मुझे बताओ। आप बताओ मुझे, आपके साथ ये राखी करती तो आप सुलह करते हैं? 6 महीने जेल काटते हैं? जेल में आप 14 किलो आप लूज कर चुके हो, आपके पास खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, आपकी फैमिली आपके अगेंस्ट है, फैमिली आपको नहीं मिल रही है, फैमिली की इज्जत दाव पे लगा दिया है, मैसूर में आके नाटक कर रही है, मेरी फैमिली को उसने हरास किया है, मेरी मॉम डैड को उसने हरास किया है कि मैं तुम्हारे बेटे के टुकड़े करवा दूंगी अगर वो नेक्स्ट मुंबई में दिखा मीडिया के सामने आया तो टुकड़े करवा दूंगी। आना जरूरी था ना भाई, मैं आपसे बोल रहा था 10 बार सोचो, डरना इतना ही डराओ जितना इंसान डर सके, मैं आपको इतना ही डराना चाहिए जितना आप डर सको।